टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक मंदबुद्धि बच्ची के साथ बलात्कार का मामला कलवा परिसर से सामने आया है, जहां काफी खोजबीन के बाद इस गंभीर मामले में एक आरोपी को थाने शहर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम श्रीकांत गणेश गायके बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 36 साल है। आपको बता दें कि चॉकलेट देने के बहाने से कलवा परिसर की रहने वाली एक 16 साल की बच्ची को कलवा में ही बंद पड़ी मफतलाल मिल के कंपाउंड में सुनसान जगह ले जाकर आरोपी ने इस बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है, जिसकी जानकारी मिलने के बाद थाने शहर पुलिस ने काफ़ी खोजबीन के बाद इस बलात्कार के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, इस आरोपी पर आईपीसी की धारा 376 पोस्को 4, 6 और 12 के तहत मामला दर्ज कर इसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। इस पूरे मामले में हुई कलवा पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसीपी वेंकट आंधले ने क्या जानकारी दी है। देखो, कलवा पुलिस स्टेशन के एरिया में शांतिनगर झोपड़पट्टी है, और वो झोपड़पट्टी के एरिया में एक मतिमंद मुलगी जो अल्पोइन है, उसका उम्र 16 साल है, वो बच्ची के साथ में 376 जैसा बलात्कार जैसा गुना हुआ था, लेकिन घर के लोग अनपढ़, उन्होंने किसी को बोला नहीं, और वो वैसा ही 6 तारीख को हुए वाला घटना को 26 तारीख तक किधर भी बात ना हो चुकी, लेकिन 26 तारीख को कलेक्टर ऑफिस में जो बाल विकास संरक्षण के लिए एक हेल्पलाइन नंबर दिया है 1098, वहाँ पर किसी ने इनके ही जो फिरियाद बच्ची के ही रिलेटिव से किसी ने तो भी फ़ोन किया और ये मालूमात उधर कलेक्टर ऑफिस में दे दिया। वो कलेक्टर ऑफिस से ये असलियत है क्या झूठा है इसके लिए खातरी करने, उसका बारे में मालूमात लेने के लिए श्रद्धा नारकर एनजीओ मैडम है, उनको मालूमात दी गई। एनजीओ मैडम शांतिनगर मफतलाल झोपड़पट्टी में गए, उनको कुछ मालूमात मिली नहीं, वहाँ के लोगों ने उनको हेल्प नहीं की। वो मैडम पुलिस स्टेशन में आ गई और सीनियर पीआई आवाड़ साहब से मिलके उन्होंने उसके बारे में मालूमात दी। आवाड़ साहब ने मतिमंद मुर्गी थी और कम उम्र वाली है, इसका सीरियसनेस खुद जान के उन्होंने अपने टीम को, अपने क्राइम पीआई आजगांवकर, दिनकर एपीआई, पीएसआई बगदाने, इनको बुला के लेके पहले जाके शांतिनगर झोपड़पट्टी में मालूमात लिया है कि असली ये बच्ची है या इसी के साथ ऐसा अन्य अत्याचार 376 जैसा गुना हुआ है क्या, उसकी मालूमात ली गई। जैसा मालूमात लेते इनकी खातरी, वो बच्ची को खातरी हो गई कि ये इसके साथ में ऐसा अन्य अत्याचार हुआ है, तो बच्ची को पुलिस स्टेशन लेके आए, उसके पालक लोगों को इधर लाया और उससे मालूमात ली गई कि आपके साथ क्या हुआ, तो उन्होंने जो मालूमात दी थी कलेक्टर ऑफिस के वहाँ पर, वो मालूमात सही बोल के बता दिया। तो उसका आरोपी कौन है, तो उसके बारे में हमारे एपीआई डिटेक्शन के दिनकर और बगदाने ने मालूमात ली। यहाँ के झोपड़पट्टी है 7-6 जगह पे, वहाँ पर वो 2 दिन में, वही दिन कड़वा नाका, गणपति पाड़ा, पारसीनगर, भास्कर नगर, पोड़पाड़ा, वागोला, या ये झोपड़पट्टी में जाके इन्होंने आरोपी के बारे में मालूमात देने की कोशिश की, और बाद में उनको आरोपी जो यहाँ का आरोपी है जिसने ये कांड किया है, वो आरोपी है श्रीकांत गणेश गायकी, उम्र 36, उसको ताबे में लिया, उसको पुलिस स्टेशन में लाया गया, उसको पूछने के बाद उसने ये गुना किया बोल के कबूली भी दिया, और बच्ची ने भी उसको पहचाना, उसका घर भी बच्ची ने बताया, तो इसके लिए उसको 26 तारीख के रात में अरेस्ट किया है और 31 तारीख तक ये पुलिस का आरोपी की पुलिस कस्टडी है। ये इसके घर में तो ये आरोपी के मिसेस और उसकी औरत और 3 बच्चियाँ है, और उसका यवतमाल का रहने वाला है, 1 महीना पहले ही पारसीनगर झोपड़पट्टी में आया था, अभी तक उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है क्या, उसके बारे में मालूमात ली जा रही है।